जिन्ना हमारी तारीख का हिस्सा है, हमारी आस्था का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना या उनका वो फोटोग्राफ हमारे लिए बस एक हिस्टोरिकल इवेंट है। जिन्ना का आप एक एफिजी जलाइए, हम 10 जला देंगे, लेकिन किसके कहने पे? हिंदू युवा वाहिनी कहने पे ये पैमाना है आपके राष्ट्रवाद का? ये सीधा का सीधा उनका अटैक सिर्फ और सिर्फ हामिद अंसारी साहब के ऊपर ही था, और कुछ भी नहीं था। जिन्ना की पोर्ट्रेट क्या है? कुछ भी नहीं, तस्वीर है वो बस। I am saying this about myself and I have found out with my other colleagues here as well that a lot of us were not even aware that there exists such a poetry. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही गेट है जो पीछे है। पिछले 2 मई के बाद से लगातार खबरों में बना हुआ है। टीवी डिबेट्स और अखबारों में आप लगातार सुन रहे होंगे कि वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इसलिए क्योंकि वो यहाँ के हॉल से जिन्ना की तस्वीर नहीं हटने देना चाहते। खबरें ये भी आई कि हिंदू युवा वाहिनी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच मारपीट हुई, जिसमें यहाँ के बच्चों को चोट लगी। रियल मुद्दा ये है कि 1:50 पर हामिद अंसारी अलीगढ़ पहुंचे हैं, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड दिया जाना था, और ठीक 2:30 पर हिंदू युवा वाहिनी पुलिस के संरक्षक में आती है यहाँ पे और उन पे हमला करने की कोशिश करती है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट यूनियन और यहाँ स्टूडेंट तमाम लोग इकट्ठा हो गए। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया यहाँ मौजूद थे, उन पे एक अटैक करने की कोशिश की, इसीलिए NSA के तहत उन पे कार्रवाई हो। जो स्टूडेंट्स थे वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से FIR लॉन्च कराने जा रहे थे, पीसफुल तरीके से जा रहे थे कि आप हमारा FIR लीजिए, और धरने पे बैठने की वजह से हमारे ऊपर अटैक कर दिया पुलिस ने। पुलिस अपनी गन से मार रहा है, बैरल से मार रहा है, और कह रहा है लाठीचार्ज, सर फोड़ दिया बच्चों का। वो लाठीचार्ज कम, अटैक ज्यादा था स्टूडेंट्स के ऊपर, जिस तरह से हम लोगों को मारा गया। टारगेट किया गया था सिर्फ और सिर्फ शेरवानी पोश को, और भी अदर स्टूडेंट्स भी चोटिल हुए थे जो मौजूद थे, लेकिन इनका स्पेशली जो मतलब टारगेट था वो शेरवानी। आखिर ये लोग कहाँ से इतना सेटअप पहले से करके रखे थे? दैट इज मीन कि दैट इज प्री प्लान ऑलरेडी। आप लगातार टीवी पर धर्मगुरुओं को, मौलानाओं को सुनते होंगे तमाम तरह के डिबेट्स में, लेकिन एक चीज नोटिस की है क्या? इन सारे डिबेट्स में यहाँ के स्टूडेंट्स ही गायब हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जिनकी बातें हो रही है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या कहना है पूरे मामले पर, पूरे प्रोटेस्ट पर? नेशनल टेलीविजन के डिबेट को देखेंगे तो ये डिबेट शुरू होती है 28 अप्रैल के आसपास से, लेकिन यहाँ के मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट शुरू होता है 2 मई को, और ये मूवमेंट तब शुरू होता है जब पुलिस ब्रूटली अटैक करती है स्टूडेंट लीडर के ऊपर और MU स्टूडेंट के ऊपर। तो ये कहना कि ये जिन्ना के पोर्ट्रे को लेकर ये रिवॉल्यूशन शुरू किया, ये बिल्कुल ही निराधार और गलत है। जो पुलिस वाले यहाँ पर लेकर आए थे वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है, जबकि ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग जिन्ना के सपोर्ट में बैठे हैं। ये मीडिया का बायस है। ये प्रोटेस्ट उन लोगों के अगेंस्ट है जो हमारे कैंपस में आके हमारे स्टूडेंट्स के साथ वायलेंस करके जाते हैं। वी आर स्टैंडिंग फॉर आवर सेल्व्स। जो अटैक करा गया पुलिस की तरफ से, संगी गूंज की तरफ से हम लोग के ऊपर, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। एंड इट्स वेरी सैड दैट मीडिया हाउसेस व्हिच आर ट्रस्टेड विद बीइंग द रिस्पांसिबल फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैव नॉट सॉर्ट ऑफ बीइंग ट्रूथफुल टू देयर ओन पोजीशंस, टू देयर ओन, आई मीन सो, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस ट्राइंग टाइम्स, आई थिंक MU नीड्स द हेल्प ऑफ मीडिया हाउसेस टू गेट द एक्चुअल न्यूज़ अक्रॉस। सो आई मीन इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मीडिया हाउसेस, आई बिलीव।